अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैंने वीडियो किसी और टॉपिक पर बनानी थी, लेकिन मजबूरी में मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हूँ और तकलीफ़ में भी हूँ। मैंने व्लॉगिंग चैनल जो है मजबूरी में बनाया है, किसी शौक़ में नहीं बनाया, और सिर्फ इसलिए बनाया कि चलो जी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है और हालात बेहतर हो जाएंगे, जबकि हालात बेहतर नहीं हैं पिछले 10 साल से। तो व्लॉगिंग जो है एक टफ़ काम है। एक छोटी बच्ची की माँ हूँ मैं, मुझे बच्ची को भी संभालना होता है, घर के सारे काम भी मैंने देखने होते हैं। मेरा मतलब ज़ाहिर है अपने घर के काम मैं खुद करती हूँ, अपनी बच्ची के काम खुद करती हूँ, और इसके अलावा वीडियो के छोटे छोटे क्लिप रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपलोड करना मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, ये एक बहुत टफ़ काम है और फुल टाइम जॉब है। जिन लोगों को ये आसान लगता है वो ज़रा व्लॉगिंग चैनल बनाएं और उसके बाद सब्र करें। मैं पिछले 2 साल से मुसलसल सब्र के साथ वीडियोज़ बनाए जा रही हूँ। यूट्यूब पर तो मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, लेकिन साथ में मैं फेसबुक पर भी अपलोड करती हूँ। फेसबुक पर अपलोड करने का हमें फ़िलहाल तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पेज जो है वो मोनेटाइज नहीं होते, लेकिन चले इसलिए वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ कि चलो कभी पाकिस्तान में अगर मोनेटाइज हुए चैनल तो पेजेस, फेसबुक पेजेस मोनेटाइज हुए तो चलो मेरा पेज भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो वहाँ पर जो इनबॉक्स का ऑप्शन है वो खुला है अल्हम्दुलिल्लाह, यूट्यूब में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पर कुछ ठरकी हजरात जो हैं वो मैसेंजर के अंदर मुझे मैसेजेस कर रहे हैं प्राइवेट, और वो मेरे साथ गपशप लगाना चाहते हैं। भाई साहब, मैं आपको ये बता दूँ कि अगर मैंने यही काम करना होता ना, गपशप लगाने वाला या दोस्तियां करने वाला, तो फिर मुझे व्लॉगिंग चैनल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं किसी भी फेसबुक आईडी से ये काम कर सकती थी। इस तरह के काम एक तो गुनाह है, दूसरा मुझे कोई शौक़ नहीं है, कतई कोई शौक़ नहीं है दोस्तियां वगैरह करने का, फजूल किस्म के काम करने का। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे हैंडसम हस्बैंड दिए हैं और मेरे हस्बैंड की शक्ल वाली मुझे प्यारी सी बेटी दी है। यही मेरी कुल कायनात है, मुझे इनके होते हुए किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती, किसी की कमी महसूस नहीं होती। अल्लाह इन्हीं में बरकतें डाले। और वैसे भी ये फ्रेंडशिप और इस तरह की चीज़ें जो नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं, ये गुनाह है, और मुझे कब्र से अल्लाह मियाँ से बहुत ज़्यादा खौफ आता है। तो चाचे, ताए, फूफे, मामे, भाई, जो भी मुझे जिस एज के भी बंदे मैसेंजर में मैसेजेस कर रहे हैं, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मैंने मजबूरी के तहत व्लॉगिंग चैनल बनाया है। मुझे कतई कोई शौक़ नहीं था व्लॉग्स का, ये एक टफ़ ड्यूटी है, इसमें कोई छुट्टी नहीं है, इसमें आप लेट वीडियो भी नहीं लगा सकते, ये इतनी टफ़ ड्यूटी है। और टॉपिक्स रोज़ के नए नए लाना ये बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो मेरी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा ना करें। मुझे कोई शौक़ नहीं है दोस्तियाँ, फ्रेंडशिप, ये वो प्यार मोहब्बत, तो मुझे वैसे फजूल तरीन चीज़ें लगती हैं। जब मुझे सगे खून के रिश्तों से चोटें मिली हैं, जब उनमें वफा नहीं है, एहसास नहीं है, तो फिर ये झूठे नाजायज़ रिश्तों में तो वैसे भी वफा और बरकत नहीं होती। बरकत अल्लाह ताला ने सिर्फ निकाह में रखी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह हो चुका है। अल्लाह ताला मुझे दोनों जहानों में अपने शोहर की सुहागन रखे। मेरी लाइफ पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, प्लीज़ मेरी लाइफ को मज़ीद मुश्किल मत बनाएं, मुझे डिस्टर्ब ना करें। मैं कतई किसी से कोई भी चोर किस्म का ताल्लुक नहीं रखूंगी, मुझे कोई शौक़ भी नहीं, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, और मैं बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ मेरी बात को समझें। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।